हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल उमर्स किचन। तो आप सभी का स्वागत है मेरे किचन। तो आज मैं बनाने जा रहा हूँ पोहा कटलेट। जैसे कि आपने पढ़ ही लिया होगा कैप्शन में कि मैं आज बना रहा हूँ पोहा कटलेट और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में। तो मैं पोहा हमारा मेन इंग्रेडिएंट है, तो मैं उसको ले रहा हूँ 250 ग्राम पोहा। मैं एक प्लेट में पोहे को दाल ले रहा हूँ 250 ग्राम, और मैं उसमें ऐड करूँगा 2 गिलास पानी। 2 गिलास पानी डालने के बाद मैं उसको मिक्स कर लूँगा हल्के हाथों से। फिर मैं उसको 2-3 मिनट के लिए साइड में रख दूँगा। साइड में रखने के बाद हमारा जो पानी रहेगा वो अब्जॉर्ब हो जाएगा पोहे में, तो हमारा पोहा कुछ इस तरीके से दिखेगा और हम अपने हाथों से मलेंगे तो वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। तो उसी टाइम हमें हमारा उबला हुआ आलू डाल देना है, जो मैंने उबाल लिया था नमक और पानी में। तो मैं इसमें 2 सीटी लगा के उबाल लिया था आलू को, तो मैं उसमें डाल दे रहा हूँ। और मैं ले रहा हूँ 2 छोटी प्याज, 1-2 हरी मिर्ची और धनिया, जो इसमें फ्लेवर देगा तीनों चीज़ पोहा और आलू के बैटर में। तो मैं इधर ले रहा हूँ 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, सॉल्ट, 1/2 चम्मच हरी लाल मिर्ची का पाउडर, 1/4 काले मिर्च, 1/4 क्यूमिन पाउडर, 1/4 फेनल पाउडर, 1/2 चम्मच लेना है हमें कोरिएंडर पाउडर, और जो मैं बीच में उंगली दिखा रहा हूँ वो है इलायची पाउडर। वो ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डालिए वरना मत डालिए, डोंट वेस्ट एनीथिंग। तो इसके लिए मैं पोंछ के निकाल ले रहा हूँ अच्छे से वो। फिर मैं इसको मिक्सअप कर लूँगा। मिक्सअप करने के बाद हमें पूरा ऐसा पूरा एकदम फ्लेवर ले लेना है, जो हमने स्पाइसेस डाले फ्लेवर एकदम पूरा निचोड़ लेना है। तो फिर हम इसको मिक्स कर ले रहे फटाफट। तो मैं थोड़ा सा अपना निकाल लियो एक बाउल में, जितनी मेरे को टिक्की बनाना है, और मैं जो जितना था मैंने साइड में ले लियो। तो हम अपने पाम पे जो हथेली हमारे उस पर थोड़ा तेल लगा लेंगे, जो हमें टिक्की बनाने के लिए आसानी होगी। तो मैं टिक्की बनाने के लिए थोड़ा सा तेल लगा ले रहा हूँ। फिर मैं अपनी एक हाथों की मदद से हम गोल 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 करके टिक्की बना लेंगे। टिक्की कुछ इस तरीके से बनाना है हमें। अच्छे से मेरे हाथों पे ध्यान दीजिए, एकदम प्रॉपरली वे में हमें टिक्की को बनाना है, क्योंकि हमारी टिक्की जरी भी इधर से उधर फटेगी तो हमारा एकदम टेक्सचर जो रहेगा वो एकदम प्रॉपरली नहीं आएगा। तो हमारी टिक्की कुछ इस तरीके से बन रही है, तो मैं सबको एक एक प्लेट में ले रहा हूँ। इसी तरीके से करते करते हमें हमारी जितनी भी टिक्की है हम सब टिक्कियों को ऐसे ही बना लेंगे। हमारी सब टिक्की एक कोई भी साइज़ की हो चलेगा, लेकिन हमारी टिक्की प्रॉपरली एकदम मोटा, जो एकदम लेयर रहती है उसकी, जो उतनी मोटी ना पतली, मीडियम रहनी चाहिए हमेशा। तो ये मैं हाथों की मदद से मैंने इतनी टिक्की बना लिया हूँ। तो फिर ये हमारी टिक्की रेडी हो चुकी है, देख सकते हो आप मैंने कितने अच्छे से टिक्की बना लिया हूँ। तो मैं अपने टिक्की को रखता हूँ साइड में। फिर मैं बनाता हूँ ग्रीन चटनी, जो मेरी धनिया की चटनी है। मैं ले लिया कुछ धनिया और 6-7 मिर्ची। तो मैं ले रहा हूँ मिर्ची और धनिया को एक मिक्सर ग्राइंडर में। फिर उसमें डाल रहा हूँ 2 बड़े चम्मच दही। फिर उसमें उसको मिक्स ग्राइंड कर लेंगे, फिर उसको निकाल लेंगे। फिर उसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट। फिर उसको मिक्स कर लेंगे। फिर हमारी चटनी तो रेडी हो गई है। हमारी टिक्की को हम डीप फ्राई भी करेंगे और शैलो फ्राई भी करेंगे। तो पहले शैलो फ्राई कर लेते हैं, फिर उसके बाद डीप फ्राई करेंगे। तो शैलो फ्राई के लिए मैं पैन रख दिया, नॉन स्टिक पैन। फिर उसके ऊपर थोड़ा सा मैं तेल को अपना तेल डाल देंगे अपन। फिर मैं उसको उसके ऊपर डालूंगा अपनी टिक्कियाँ। तो मैं टिक्की डाल ले रहा हूँ फटफट फटफट। तो हमें हमारी टिक्की को अच्छे से शैलो फ्राई करना है। तो हमारी टिक्की शैलो फ्राई हो रही है। तो हमारी टिक्की कुछ इस तरीके से हमको उसको पलट पलट के सेक लेना अच्छे से, जो हमारा एकदम प्रॉपरली वे में हम इसको सेक लेंगे, जो कि हमारा कच्चापन ना आए, ना हमें एकदम कच्चा लगे। हम एकदम प्रॉपरली उसको सेक लेंगे। फिर उसके बाद मैं एक प्लेट में ले रहा हूँ उसको। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ डीप फ्राई हमारी पोहा कटलेट कितना अच्छा लग रहा है। मैं डीप फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई ले रहा हूँ और गैस को फास्ट पे ऑन रखा हूँ। फटाफट काम होना चाहिए और हमारा तेल कितना उबल रहा है।
तो हमें इसको डीप फ्राई करना है, तो हम ये ऑप्शनल है, आपको करना है तो करिए, ये वरना नहीं करिए। ये मैं इसको टिक्की जो थी हमारी, जो टिक्की बनाया था मैंने, उसको है ना पोहे के अंदर डिप करा और पूरा सा उसको कोट कर दिया। फिर उसको मैं तेल में डाल दिया, तो तेल में डाल के कुछ इस तरीके से हमारा हो गया था तेल ब्राउन एकदम। ये हमारा हो गया पोहा कटलेट। तो मैं अभी प्लेटिंग कर रहा हूँ, तो मेरी वो उस तरफ है ग्रीन चटनी जो दही कोतमीर और मिर्ची से बना है, और इस तरफ है थोड़ा सा टमाटो केचप, इस तरफ है मेरा शैलो फ्राई वाली टिक्की, और इस तरफ है मेरा डीप फ्राई वाली पोहा कटलेट। तो देखने में तो एकदम इंटरेस्टिंग लग रहा है, और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बना लिया हूँ मैं इस सब चीज़ को। आप भी घर में ट्राई करिए, कोई स्नैक्स वगैरह आपको खाने का मन कर रहा है तो ये सब ट्राई करिए। आप देख सकते हो मैं कितने अच्छे से तोड़ के बता रहा हूँ, एकदम मस्त पक चुका है, अंदर से भी मस्त हो चुका है। तो आप प्लीज़ ट्राई करिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू सब्सक्राइब मी एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन।